नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेवा चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे ये वीडियो है, तो बहुत सारी बात जो है अब सुनेंगे आप, और इसे बहुत ही ध्यान सुनना है, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप आगे की बात नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, वर्ब्स और उनके तीन फॉर्म के ऊपर ये वीडियो है कि जो क्रिया होती है, सहायक क्रिया, जिसे एक्चुअली जो हमारा जिससे कि पूरा बेस होता है, कोई भी बात बोलते हैं तो इन वर्ब्स का ही हेल्प लेकर बोलते हैं। सो तो क्रियाएं और उनके तीन रूप को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, अंग्रेजी में तीन क्रिया होता है, और यानी कि फॉर्म्स होते हैं, और अलग अलग टेंस में तो जानते ही हैं कि चार तरह के टेंस होते हैं, तो अलग अलग टेंस के लिए अलग अलग क्रिया होता है। अब इन क्रियाओं को जो क्रिया रूप को जो है दो वर्णों में रखा जाता है। एक तो पहला कि दोस्तों, आप समझिए बात को, यहाँ पर मैं बताऊँ कि एक तो पहला जो अगर बात है तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है, इसकी चर्चा यहाँ से हो गया, स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। दूसरा जो है वो है वीक वर्ब, ठीक है। वीक मीन्स कमजोर, तो वीक वर्ब यहाँ शॉर्ट मैंने लिख दिया है। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है, इसको समझिए पहला, स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब जो है वे क्रिया है जो अपनी सेकेंड फॉर्म अपने अंदर के स्वर को बदलने से बनती है, ठीक है। यानी कि जो पहला जो आप यहाँ देखेंगे, इसे फॉर्म नंबर वन देखेंगे, ठीक है, फॉर्म नंबर वन देखेंगे, उसी तरह फॉर्म नंबर टू देखेंगे और फॉर्म नंबर थ्री देखेंगे। आप बात नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्लियर कर दूँ। जैसे आप जानते होंगे कि गो के बाद होता है वेंट, और उसके बाद होता है गॉन, ये वाला बात है, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप कि क्रिया के तीन रूप की क्या चर्चा हो रही है। तो जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग वर्ब वो होता है कि पहला जो है, जैसे यहाँ गो है, अब दूसरा जो है ना बदल गया, तीसरा भी है बदल गया, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग है। अब वीक वर्ब वे क्रिया है जिसके सेकंड फॉर्म, यानी कि भू जब सेकंड फॉर्म होता है उसमें कोई खास बदलाव नहीं होता है। तो क्या बदलता है, तो सेकंड फॉर्म में जैसे मान लीजिए कि अगर रखते हैं लाफ लेते हैं, ठीक है, LAUGH लाफ, तो यहाँ पर सीधा लाफ में आप जो देखिए LAGUGAGAUGHED लाफ्ड हो जाता है, और सेम चीज़ इधर हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि वीक वर्ब में ईडी, ठीक है, ईडी लग जाता है लास्ट में, यानी वर्ड के अंदर डी लग जाता है या टी लग जाता है, तो ये इसके साथ बनाती है। अब इनके आंतरिक स्वर में परिवर्तन भी हो सकता है, मतलब बदल जाता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि सेल, ब्रिंग, कैच, टीच, एक ही जैसे चलते रहते हैं। अब देखिए, इसकी सेकेंड फॉर्म जो है, जैसे सेल का सोल्ड हो जाता है, ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता है, कैच का आउट हो जाता है, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन अंत में हमेशा देखते हैं कि चाहे तो टी लगा रहता है चाहे डी लगा रहता है, तो ये बिग वर्ब्स होते हैं। अब देखिए, किसी क्रिया के, एक और बात समझिए, किसी भी क्रिया के स्ट्रॉन्ग या वीक होने का निर्धारण उसके दूसरे रूप के आधार पर ही किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनाते समय उसमें आंतरिक स्वर परिवर्तन होता है, लेकिन अंत में कुछ जुड़ता नहीं है, सेम टू सेम रहता है। यदि अंत में टी डी आई डी लग गया है तो स्वर परिवर्तन के बावजूद भी वीक वर्ब होता है, तो ये वीक बनाता है किसी वर्ड को। जैसे कि यहाँ पर आपने ईडी देखा, ठीक है, यहाँ भी आप आगे भी देखेंगे बहुत सारे, लेकिन इसमें बदल गया, गो वेंट गॉन अलग अलग है। तो ये है दोस्तों क्रिया के बारे में, कि स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब के बारे में। अब चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लिखना चाहते हैं, जी हाँ, लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, या फिर समझना ही चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है। ये वर्ब, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे वर्ब्स क्या, एक लिस्ट आएगा तीन स्लाइड में, बहुत ही ध्यान से देखना है, इसे याद करना है और इसका यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे देखिए वर्ड है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, क्या वर्ड है। अब इसको नहीं अगर पढ़ने जिनको आएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि क्या है ये वर्ड क्या है। सभी में नहीं नहीं लिखा, सिर्फ पहले के लिए है, ये जो पहला आप देख रहे हैं, ये पहला जो है इसके लिए, लेकिन बगल में जो सभी जगह, चूंकि यहाँ पे इस जगह की कमी होती है, मतलब लिख सकते हैं, लेकिन हौच पौच ना हो जाए, देखने में समस्या ना हो जाए, तो
तो मेरी मेरी आवाज को आप ध्यान सुनेंगे कि भाई इसके लिए क्या मैंने वर्ड रखा। तो देखिए अगर यहाँ इसे अवॉइड बोलते हैं, अवॉइड है ना, अवॉइड नहीं अबाइड, तो इसे अबोर्ड बोलेंगे, इसे अबोर्ड बोलेंगे। तो ये अबोर्ड याद रखना है, अबोर्ड, ठीक है, अबोर्ड सेम चीज दोनों के लिए हो गया अबोर्ड। तो इधर का मैं बताऊंगा, इधर आपको देखना। अब हिंदी क्या होगा, सिर्फ इसका हिंदी की बात हो रहा है यहाँ पर, एक जनरल हिंदी, ठीक है। चूंकि ये तो फॉर्म नंबर टू या फॉर्म नंबर थ्री है, ये जो फॉर्म नंबर टू जो होता है, जैसे आप मैं समझा दूँ कि जैसे प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस होता है, आप जहाँ समझते होंगे, नहीं तो फिर भी समझिए टेंस की थोड़ा सा जानकारी दे दो। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया, टेंस तीन तरह का होता है आप देखिए, उसके बाद पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, पास्ट टेंस हो गया, उसके बाद फ्यूचर टेंस हो गया, ये हो गया फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी ई एन एस ई, इसका मतलब हो गया कि ये तीनों में काम आ रहा है, ठीक है, तीनों में काम आ रहा है, तीनों के लिए। अब इसके देखिए चार चार और है, इसके चार और उप कह सकते हैं सब है, टाइप्स है, फोर यहाँ पर हो जाता है, फोर इसमें भी आ जाता है, फोर इसमें भी आ जाता है। तो अब यहाँ पर एक बात समझिए कि फोर तो ये सब चर्चा पहले भी हो चुकी है, बताना ये चाहेंगे कि दोस्तों ऐसे अवॉइड है, फॉर्म फर्स्ट है जो प्रेजेंट के लिए होता है, प्रेजेंट में जितने सारे हैं तो फॉर्म फर्स्ट में होते हैं, लेकिन प्रेजेंट के अंदर जो अगर आप देखते होंगे पर इसमें जैसे चार है, तो चार में जब दो दो में प्रेजेंट लगता है, जबकि हालांकि एक ही में लगता है, उसके बाद जो आता है उसमें आईएनजी भी जुड़ जाता है और ये फॉर्म थ्री भी यूज लगता है, यानी कि प्रेजेंट में फॉर्म वन और फॉर्म थ्री लगता है, पास्ट में सिर्फ जो है तो फॉर्म टू चलता है और थ्री चलता है, फर्स्ट नहीं चलता है। फ्यूचर में जो है फॉर्म वन चलता है और यही चलता है, टू थ्री चलता ही नहीं है, बात समझ चुके हैं ना। तो यहाँ पर फॉर्म वन इस्तेमाल होगा, यानी एफ वन होता है, यहाँ पर एफ वन और थ्री इस्तेमाल होगा, यहाँ जो है एफ टू, टू और थ्री इस्तेमाल होगा। तो ये जो है आप इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि बात थोड़ा समझने वाली है, अगर समझते हैं तभी आगे बढ़ेंगे। अब चलिए मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ ताकि जल्दी मैं आपको बहुत सी चीज़ बता सकें और इसे यूज़ करना आप बाद में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों आप सब समझ चुके होंगे कि ये है वर्ड अवॉइड, अबोर्ड, अबोर्ड ना, इसका मतलब है अवॉइड मीन्स मान लेना, अबोर्ड मीन्स मान लिया, और अबोर्ड मीन्स मान लिया, समझ रहे ना, मान लेना, मान लिया, मान लिया। नेक्स्ट वर्ड जो है अराइज, ये देखिए अराइज है, अराइज, अरोज, अराइजन, अलग अलग है, आप ध्यान सुनेंगे, अराइज, अरोज, अराइजन, अराइज, अरोज, अराइजन, हिंदी क्या है अराइज का, उठना, उठना, अरोज का उठा, अराइजन का उठा, ठीक है, इसका भी सेम, इसका भी सेम, उठा, उठा। नेक्स्ट वर्ड है ये देखिए बियर, अब डब्ल्यू ई आर बियर मीन्स तो भालू, लोग समझते हैं कि भालू होता है, जबकि भालू ही नहीं होता दोस्तों, बेयर मीन्स जन्म देना भी होता है। अब इसी से वर्ड बना है, अब यहाँ आपको नहीं पहचान में आ रहा है, यहाँ पहचान जाएंगे, बॉर्न बोलते हैं ना, आई वॉज बॉर्न इन, है ना, आई वॉज बॉर्न इन, जहाँ भी आप रहते हैं वो बोलते हैं। तो ये बॉर्न वर्ड पता है कि ये बॉर्न वर्ड जो है इस जन्म का है, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं दुर्भाग्यवश कि बेयर का मतलब, क्योंकि ये बॉर्न जो है फॉर्म थ्री है, इसका फॉर्म टू, यानी फॉर्म वन जो है बेयर होगा, फॉर्म टू जो होगा बोर हो जाएगा, तभी ये बॉन्ड फॉर्म थ्री में आना, यानी कि बेयर से बना है बॉन्ड, बेयर बोर बॉन्ड, बेयर बोर बॉन्ड, ठीक है। तो ये समझिए इसको कि ये कहाँ से बना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो बेयर है उसका मतलब होता है ले जाना, सहना। अब यहाँ अंतर है, उच्चारण सेम है जैसे इस, लेकिन इस लास्ट वाले में स्पेलिंग अंतर है, बेयर बोर बॉन्ड, इसको ही बॉन्ड बोलेंगे लेकिन स्पेलिंग लिखेंगे अलग। अगर ये स्पेलिंग लिख दिया तो समझिए कि ले जाना या सहना बात है। तो ये बेयर मीन्स ले जाना, सहना, लेकिन बोर मीन्स ले गया और या सहा, बोर मीन्स ले गया या सहा। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है सो बी, बी मीन्स होता है होना, जैसे वर्ब टू बी, वर्ब टू बी का मतलब ही होता है बी, बी मीन्स होता है होना, इसी से बना है सो पास्ट वाज, बी का पास्ट वाज या वर होता है और इसका पास्ट फॉर्म जो होता है
यानी इसे आप कह सकते हैं ये प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह से भी आता है। लिख लीजिए आप प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं प्रेजेंट, ताकि आप बार बार नहीं, प्रेजेंट फॉर्म ऊपर फॉर्म है, ये है पास्ट फॉर्म, ठीक है, पास्ट फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पार्टिसिपल। थोड़ा सा ग्रामर टाइप का आपको लग रहा होगा, लेकिन ये ग्रामर टाइप का नहीं है दोस्तों, क्योंकि ग्रामर की तो बात मैं करता ही नहीं हूँ कि रूल रेगुलेशन की बात, लेकिन जो रूल रेगुलेशन है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना, याद करने की बात नहीं, यूज करके ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सीख जाना है। तो वी मीन्स देखिए प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आप समझ रहे हैं, फॉर्म वन टू या थ्री, या हम मैं इसे हमेशा वी वन के रूप में कहता हूँ, वी वन, इसे बोलता हूँ वी टू और इसे बोलता हूँ वी थ्री, ऐसे मैं हमेशा उच्चारित करता हूँ। तो वी मीन्स होता है होना, वॉज मीन्स था, वेयर मीन्स थे, और विन मीन्स हुआ, हुआ, ऐसे भी चलता है। अब नेक्स्ट देखिए ये वर्ड है वीट, वीट का मतलब होता है पीटना या मारना, मारते हैं हम लोग, पीटते हैं ना, तो बीट, बीट का क्या होगा बीट, और इसका जो पास्ट फॉर्म है ये भी वी टू है, वो भी बीट ही हो जाएगा, जबकि पास्ट पार्टिसिपल में इसे बीट को बिटन कहते हैं, बिटन। उसके बाद देखिए बिटन हो गया, नेक्स्ट वर्ड देखिए ये सो विकम, विकम, विकम जो कम से ही मिलता जुलता है, सिर्फ बी लग जाता है, विकम मीन्स हो जाना या बनना, ये भी होता है कि बन, बदल गया, बन जा गया, तो जैसे कि ही विकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन गया है ना, या हो गया, तो विकम मीन्स हो जाना, बन गया, और कम का केम हो जाता है वी केम, और फिर से वापस पास्ट फॉर्म में आता है, लेकिन ये आपको पता चलता है कब, ये कैसे पता चलेगा कि ये पहला फॉर्म है या दूसरा फॉर्म, अगर हैज हैव हैड लग जाता है, यहाँ पर अगर लग गया है इसके पहले हैज, ठीक है, हैव या हैड लग जाए, या हैड लग जाए, उसके बाद विकम आए, तो समझिए कि पास्ट, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल या फॉर्म थ्री है। अगर नहीं ऐसा है, सिर्फ डायरेक्ट मान लीजिए सब्जेक्ट के बाद ही सीधा ये आ जाए, तो समझ लीजिए कि ये फॉर्म वन है, समझ चुके ना, विकम कैसे आ गया, तो ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड जो है सो विगेट मीन्स होता है पैदा करना, अब सोचिए विगेट मीन्स पैदा करना कैसे होगा, थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर, तो लोग नहीं समझते इस तरह से कि भाई बॉन्ड, लोग समझते बॉन्ड ही वर्ड लेते हैं, लेकिन विगेट मीन्स होता है पैदा करना, पैदा करना, बिगॉट, बिगट, बिगट मीन्स होता है पैदा किया, बिगटन या बिगॉट या बिगटन, बिगटन मीन्स पैदा किया, दम याद कर लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम का है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, बिगिन है, बिगिन मीन्स शुरू करना, प्रारंभ करना, कोई काम शुरू हो रहा है तो ये वर्ड है। विगिन का पास्ट होता है पास्ट, पास्ट फॉर्म विगेन, विगन और विगेन, और पास्ट पार्टिसिपल हो गया विगन, विगन, विगिन, विगेन, विगन। नेक्स्ट वर्ड देखिए बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब हुआ, बिहोल्ड का मतलब हुआ दोस्तों, बिहोल्ड मीन्स होता है देखना, बिहोल्ड का मतलब देखना, उसी से बना वर्ड है बिहोल्ड से, बिहेल्ड जैसे होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, तो वही है बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स देखना, तो बिहोल्ड, बिहेल्ड मीन्स देखा, और बिहेल्ड मीन्स देखा, बाकी हैज है, हैज हैव हैड लगेगा तो अब समझ में आएगा। नेक्स्ट फॉर्म देखिए, तो पहला फॉर्म से अब ये समझिए ना कि प्रेजेंट फॉर्म है, ये फास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, या आप ऐसे समझिए वी वन, वी टू, वी थ्री। तो इसे बिड, बिड, बिड मीन्स होता है बोली लगाना, बिड का पास्ट फॉर्म क्या होगा, अब यहाँ पर समझ देखिए पास्ट फॉर्म भी बिड ही होगा और पास्ट पार्टिसिपल भी बिड ही होगा, कहीं लगा लीजिए, लेकिन सब्जेक्ट से पता चलेगा कि भाई कौन सा फॉर्म में ये आ गया है, कौन से फॉर्म की बात हो रही है, तो बिड, बिड, बिड है ना। हो सकता है कहीं आपसे पूछ दिया कि भाई प्रेजेंट का इसको मतलब पास्ट बनाइए, तो आप सोच ना पाए, तो इसलिए याद कीजिए बिट 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 ऐसे। फिर देखिए बाइंड, बाइंड मीन्स होता है बांधना, बाइंड मीन्स बांधना, बाइंड का होता है बाउंड, फिर है बाउंड, बीट, बाइंड, बाउंड, बाउंड, कोई अंतर नहीं है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में मीन्स बांधना, यानी इसे बंधा, बंधाई बोलते हैं। अब देखिए बाइट, बाइट मीन्स होता है काटना, उसी का पास्ट फॉर्म हो गया बिट, और उसी का पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल होगा बिटेन, 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 बाइट, बीट, बिटेन, बाइट मीन्स काटना, तो बिट मीन्स काटा, बिटेन मीन्स काटा है ना, काटा गया, काटा, काटा हुआ।
नेक्स्ट वर्ड है देखिए है ब्लो, ब्लो है इसका हिंदी हो जाता है, अर्थ हो जाता है बहना, फूक मारना, फूकते हैं ना लोग, फूक देते हैं, ब्लो ब्लो करते हैं, ब्लो है ना, तो ब्लो है, ब्लो का पास्ट होता है ब्लू और इसका पास्ट पार्टिसिपल ब्लोन, यानी कि फूक मारना, फूक मारा, फूक मारा, या बहना, बहा, बहा, ब्लू मीन्स बहना, ब्लू मीन्स बहा, ब्लू मीन्स बहा। नेक्स्ट वर्ड देखिए एसो ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है टूटना या तोड़ना। अब ये तो ब्रेक है फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड है पास्ट फॉर्म ब्रोक और पास्ट पार्टिसिपल है ब्रोकन, तो टूटा टूटना, टूटा टूटा, तोड़ना तोड़ा तोड़ा, है ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। नेक्स्ट वर्ड जो है देखिए चाइड, चाइड का मतलब होता है झिड़कना, झिड़कना, चाइड। अब यहाँ देखिए क्या है चाइड, या ये भी चाइड ही उच्चारण करेंगे, चाइड और ये चाइडन, क्या है झिड़कना, चाइड में झिड़कना, चाइड चाइड में झिड़का, यहाँ भी झिड़का। नेक्स्ट वर्ड जो है चूज, चूज, चूज का मतलब चुनना, चूज का पास्ट होता है चूज और पास्ट पार्टिसिपल होता है चूजन, चूजन। अब चुनना, चुना, चुना। नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत ही इजी है क्लीव, क्लीव है, क्लीव का मतलब होता है चीरना, फाड़ना, चीरना, फाड़ना, क्लीव का पास्ट हो गया क्लोव और उसी से बनता है क्लेफ्ट, क्लेफ्ट नाम की एक बीमारी भी है जो कि इसमें होंठ फट जाता तो बोलते हैं क्लेफ्ट, है ना, क्लेफ्ट है, तो ये इसका चीरा मतलब लगा हुआ है, तो क्लीव मीन्स चीरना फाड़ना, तो क्लोव मीन्स चीरा फाड़ा और क्लेफ्ट मीन्स चीरा फाड़ा हुआ, है ना ये। नेक्स्ट जो है क्लिंग, क्लिंग मीन्स होता है चिपकना, क्लिंग क्लंग क्लंग, चिपकना, चिपका, चिपका। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है कम, केम, कम, यानी कि कम मीन्स आना, केम मीन्स आया और कम मीन्स आया, लेकिन यहाँ पर तो जैसा कि मैंने बताया था कम केम कम, है ना, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए ये है इसी तरह फॉर्म वन, फॉर्म टू और फॉर्म थ्री, यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, या वी वन यानी वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री भी मैं हमेशा बोलता हूँ। जैसे देखिए डी एज ए डिग, डिग मीन्स खोदना, डिग डग डग, डग मीन्स खोदा, डग मीन्स खोदा, डिग डग डग। उसके बाद देखिए डू डिड डन, डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया, डन मीन्स किया, डू डिड डन। नेक्स्ट वर्ड देखिए ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है ड्रॉ, ड्रू ड्रॉन, यानी खींचना, ड्रॉ मीन्स खींचना, ड्रू मीन्स खींचा, ड्रॉन मीन्स खींचा, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन। नेक्स्ट वर्ड है ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक मीन्स पीना, और ड्राइव सॉरी ड्रिंक, यहाँ पर इसे ड्रंक बना लीजिए क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है, तो ड्रंक, ठीक है, डी आर डी आर डी आर, फिर से यहाँ से लिख देते हैं डी आर यू एन के, ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों ड्रंक, डी आर यू एन के, ड्रंक मीन्स पिया, तो ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रंक मीन्स पिया, और ड्रंक मीन्स, ड्रंक मीन्स पिया, ड्राइविंग अगले में आ जाएगा। तो देखिए ये है दोस्तों ड्राइव, ड्राइव मीन्स होता है हाँकना, चलाना, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, है ना, यानी कि हाँका चलाया, या चलना चलाया चलाया। ईट है सबसे फेमस, ईट मीन्स खाना होता है, ईट एट ईटन, सभी लोग जानते हैं ईट एट ईटन, खाना खाया खाया, लेकिन वो मतलब नहीं है, खाना इसका हो गया, इसका खाया हो गया। अब देखिए फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, पतन होना, फॉल फेल फॉलन, यानी कि गिरा या पतन होना, पतन हुआ, पतन हुआ, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड जो है फाइट, फाइट मीन्स होता है लड़ना, फाइट फाउट फाउट, फाइट फाउट फाउट, यानी लड़ना लड़ा लड़ा, लड़ना लड़ा लड़ा, फाइट मीन्स लड़ना, फाउट मीन्स, फाउट का मतलब लड़ा। नेक्स्ट वर्ड जो है फाइन, फाइन मीन्स होता है पाना ढूंढना, फाउट मीन्स पाया ढूंढा, फाउट मीन्स पाया ढूंढा, फाउट मीन्स पाया ढूंढा। नेक्स्ट और देखिए फ्लिंग, फ्लिंग मीन्स होता है फेंकना, हालांकि थ्रो भी मीन्स होता है, फ्लिंग फ्लंग फ्लोन, फ्लिंग फ्लंग फ्लोन, फ्लिंग फ्लंग फ्लोन, इसका मतलब होता है धोया फेंका, फेंकना फेंका फेंका। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर जिस भी बंदे ने ये छोड़ दिया, इसे याद नहीं किया, मेरे पास बहुत लंबा लिस्ट है इसका, अगर याद करते हैं, और ये तो छोटे छोटे है, आपको आने वाले समय में लंबे लंबे मिल जाएंगे, अगर ये अगर याद आप कर लेते हैं
तो आपको इंग्लिश बोलने लिखने या समझने से कोई नहीं रोकेगा, इसकी मैं गारंटी लूँ। लेकिन शर्त यही है दोस्तों कि आपको ये याद करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस पहला वीडियो में यहीं तक, और भी आगे वीडियो आएंगे, तो बताइए कितने लोगों को अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, नीचे शेयर भी कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।